नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं बताऊंगी आपको ये इनर मैंने किस तरह से बनाया है। छोटे बच्चे का इनर बनाया है मैंने, 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए बनाया है। और इसमें मैंने नीचे से यहाँ से देखिए 50 फंदे डाले हैं और 50 फंदे डाल के बॉर्डर बनाया है 8 लाइनों का। तो इसमें हमारी देखिए 4 लकीरें आई हैं, 4 ऐसे उल्टी उल्टी लाइनें आ रखी हैं। तो इसका हमने 8 लाइनों का बनाया है और इसके बाद मैंने ये डिजाइन डाला है उल्टा, 6 उल्टे और 6 सीधे का। बहुत ही सरल आसान डिजाइन है, मैं आपको डाल के दिखाऊंगी अभी। और ये 6 6 फंदों का है, 6 सीधे 6 उल्टे 6 सीधे 6 उल्टे। और हमारी ये 8 सिलाइयों का है। और यहाँ से यहाँ तक हमने 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो हमारी एक डिब्बी पूरी हुई है। और यहाँ से फिर हमने लंबाई ली है इसकी, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजाइन आए हैं हमारे। तो 8 डिजाइन में समझ लीजिए कितनी सिलाइयाँ हमारी, 8, एक एक डिब्बी में 8 सिलाइयाँ हैं। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 48, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 64 हो गई है लाइनें। 64 लाइनें बनाने के बाद हमने देखिए यहाँ से 4 घटाए हैं और इधर से भी 4 घटाए हैं। ये मुड्ढे हमारे जैसे बच्चे के मुड्ढे घटाए हैं 4 4। और इसके बाद मैंने ये 12 फंदे यहाँ से बुन के और यहाँ से जितने भी हैं ये बंद करके इधर 12 छोड़ दिए। फिर 12 फंदों में हमने वही 24 लाइनें बनाई हैं, फिर उल्टी उल्टी 24 लाइनें बनाई हैं। तो ये 12 हमारी ये इस तरह से हमें नज़र आएंगी, 12 लाइनें गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 हैं। ऐसे सेम हमने पीछे का भी बनाया है, देखिए सेम पल्ला पीछे का भी, क्योंकि दोनों साइड ये एक जैसा बनेगा और एक जैसा हम दोनों साइड पहना सकते हैं बच्चे को। और देखिए फिर उसके बाद ये देखिए मैं डिजाइन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इस तरह बना के रखा है थोड़ा, देखिए ये मैं डिजाइन बना ही रही थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, साथ में इसको भी दिखा दूँ। मैंने बनाया है जो इनर बेबी इनर, ये मैंने इसमें 4 सिलाई नीचे से बनाई हैं। तो ये मेरी देखिए 2 लाइनें आई हैं ना, तो इसके मतलब 4 सिलाई मैंने बनाई हैं। और उसके बाद मैंने ये सीधा 6 सीधे शुरू कर दिया, 6 उल्टे 6 सीधे 6 6 उल्टे 8 सिलाई बनाई यहाँ तक। फिर दोबारा यहाँ से उल्टे बना दिए, सीधे के ऊपर उल्टा बना दिया और उसी तरह से 8 सिलाई बनाई। अब देखिए इसके ऊपर मैं बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। ये उल्टे के ऊपर सीधे बना देंगे अब हम, इस तरह से सीधा उल्टे के ऊपर सीधा बना देंगे। 6 6 फंदे सीधे बनाए हमने, देखिए ये बीच में उल्टा है ना, ये सीधा है, अब फिर सीधा बना रहे हैं हम। तो फिर से 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 6 फंदे फिर सीधे बना देंगे, उल्टे की जगह सीधा बना देंगे, उल्टे के ऊपर हम सीधा बना देंगे और फिर सीधे के ऊपर उल्टा बना देंगे। उल्टा बना दिया, फिर लास्ट में उल्टे के ऊपर सीधा बना देंगे। इस तरह से सीधा बना देंगे लास्ट का एक स्टिच। हम चाहे उल्टा बना लीजिए चाहे आप सीधा ही बना लीजिए, इस तरह से बनाने से ऐसे चेन आ जाती, इसलिए मैंने लास्ट का सीधा बना दिया। अब उल्टी सिलाई हमारी इसको इस तरह से ले लेंगे, यहाँ से घुमा देंगे तो सीधा सा आ जाएगा हमारा। तो उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है, उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, डिजाइन पूरी उल्टी बनाएंगे, हर सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनेगी, जितना भी हम ऊपर तक बनाते रहेंगे हर सिलाई उल्टी बनेगी। सीधी सिलाई में डिजाइन पड़ेगा 6 सीधे 6 उल्टे, बस इतना सा ही डिजाइन है, कोई भी बना सकता है इसे, जो नए नए सीख रहे हैं बिगनर उनके लिए बहुत ही आसान डिजाइन है और जल्दी भी बनता है, तैयार होता है। इस डिजाइन को आप जैंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं, मफलर में, कैप में, बहुत ही सुंदर लगता है और जल्दी भी बनता है। लास्ट का एक स्टिच सीधा बना देती हूँ, देखिए इस तरह से शुरू हो गया ना, देखिए शुरू हो गया ऐसे ना, सीधे के ऊपर उल्टा आ गया, फिर ऐसे। ये 9 नंबर की सिलाई है मेरी,
लाइन नंबर से बना रही हूँ मैं धागा नीचे, सीधे फंदे। ऊन हमारी वर्धमान की है, बेबी ऊल है। देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई, फिर उल्टी उल्टी बना देंगे। हर उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी बनाएंगे इसमें हम। घास का एक स्टिच सीधा बना दिया मैंने, देखिए इस तरह से आ गया। इस तरह से हम, ये हमारी चार सिलाई निकल गई हैं, तो चार सिलाई हमने और निकालनी है। मैं आपको बना के निकाल के दिखाती हूँ चार सिलाई और, फिर दिखाती हूँ किस तरह से निकला है हमारा डिजाइन। ये देखिए देखिए पूरी हो गई है मेरी, ये आठ सिलाई हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये पहले दो थी ना हमारे डिजाइन, ये तीसरा ही बन गया है। देखिए इस तरह से लगेगा बन के, बहुत ही सुंदर दिखता है। नाइन नंबर की सिलाई से बनाया मैंने, देखिए इस तरह से। और इसमें देखिए मैंने 50 फंदे में, देखिए 50 फंदे में 48 फंदों में हमारा डिजाइन है। और एक एक एक्स स्टिच है हमारा भी, तो एक्स स्टिच जो है यहाँ सिलाई में दब जाता है, तो आप भी ज़रूर डालिएगा एक्स स्टिच। और 48 फंदे डिजाइन के हैं, जैसे 48 किस तरह से 6 6 12 18 24 26 24 25 26 28 32 इस तरह से गिनेंगे। देखिए 6 6 6 12 6 18 6 24 6 35 6 36 6 42 6 8 48 48 फंदे हैं और दो फंदे एक्स स्टिच हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।